नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम सभागार में बुधवार को महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में सम्माननीय समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन समेत सभी 51 वार्ड की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान महापौर और उप महापौर समेत अलग अलग वार्ड के पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को बताया और उसके समाधान के लिए वोट की बैठक में अपनी बात रखी। बैठक में मेयर और नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड से जरूरतों के बारे में जानकारी लेकर उस पर सकारात्मक पहल करने का पार्षदों को आश्वासन देते हुए संबंधित शाखा प्रभारियों और कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सभी प्रकार की निविदा संबंधी कार्य के लिए महापौर से सहमति लेकर अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा और बिना उनकी सहमति या अनुमोदन के निविदा मान्य नहीं मानी जाएगी। मेयर ने कहा कि भागलपुर नगर निगम की छवि स्वच्छ बनी रहे इसके लिए नगर निगम कार्यालय में 3 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थापित संविदा कर्मियों का स्थानांतरण आवश्यक है और इसके लिए ऐसे कर्मियों की सूची भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा महापौर ने सशक्त स्थायी समिति की बैठक प्रत्येक माह में 2 बार और सामान्य वोट की बैठक प्रत्येक माह में 1 बार कराए जाने की बात नगर आयुक्त से कही। इधर उप महापौर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि पूर्व की बैठकों में लाए गए प्रस्तावों पर लिए गए निर्णय समीक्षा भी जरूरी है जिससे निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने निगम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और समाधान पर चर्चा करते हुए लोहिया पुल के पश्चिम भाग, स्टेशन के मुख्य द्वार, हनुमान मंदिर और बिजली शाह मसार होते हुए ततारपुर चौक तक सौंदर्यकरण कराने का प्रस्ताव दिया। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए जल संकट के समाधान, नाला निर्माण, सड़क निर्माण, साफ सफाई, सौंदर्यकरण समेत कई मुद्दों पर लाए गए प्रस्तावों पर चर्चा के बाद नगर आयुक्त और महापौर ने सकारात्मक दिशा में कार्य करने की बात कही। साथ ही योजना शाखा, होर्डिंग शाखा, स्वास्थ्य शाखा और आईटी सेल के प्रभारियों को कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया। अपने 2 दिवसीय भागलपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 13 मई को पटना के नौबतपुर आगमन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर हो रही राजनीति और विरोध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बीते कुछ दिनों से बिहार में बागेश्वर सरकार के खिलाफ चल रही राजनीति को लेकर कहा कि उन्हें बिहार आने या अपने धर्म का प्रचार करने से कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि अपनी बात रखने और बोलने की आज़ादी देश में सभी को है और धर्म गुरुओं को भी नहीं रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों के बयान को लेकर कहा कि हिम्मत है तो नीतीश सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में आने से रोक कर दिखाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो सभी बागेश्वर धाम सरकार का प्रवचन सुनने जाएंगे। इसके अलावा बजरंग दल को बैन करने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बजरंग बली को कोई नहीं बांध सका है और इसके लिए रावण ने भी प्रयास किया था, परिणाम स्वरूप रावण की लंका भस्म हो गई। साथ ही कहा कि जो भी इस तरह का प्रयास करेगा उसे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? कोई रोक नहीं सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई व्यक्ति जो धार्मिक प्रचार में लगे हों, धर्म गुरु हों, उनको रोक आप कैसे सकते हैं? और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। देखिए, बजरंग बली को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में, रावण की लंका को भस्म बजरंग बली ने किया, इसलिए बजरंग बली को कोई बांध नहीं सकता है और जो प्रयास करेगा उन्हीं पर भगवान बजरंग बली का कुदृष्टि पड़ सकता है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहिया पुल के नीचे सब्जी मंडी में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला पर चाकू से कई बार वार कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान JLNMCH में घायल महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस और आम लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां महिला की मौत हो गई। वहीं शहर के अति व्यस्तम इलाके में हुए इस निर्मम
हत्याकांड से लोगों में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मृतक महिला की पहचान में जुट गई है। लोगों का कहना है कि मृतक महिला पत्ता बेचने का काम करती थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी मायागंज अस्पताल पहुंचे और महिला के शव को देखने के बाद छानबीन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल छात्र छात्राओं ने कार्य बहिष्कार करते हुए महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान पारा मेडिकल छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षकों को भी कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। हालांकि किसी तरह से लोहे की बाउंड्री लांघ कर कुछ शिक्षक परिसर के अंदर प्रवेश कर गए। वही धरना दे रहे पारा मेडिकल छात्र छात्राओं ने सत्र नियमित करने, लंबित परीक्षा फल घोषित करने, पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किए जाने और छात्रावास की सुविधा मुहैया कराने की मांग की। साथ ही छात्रों ने कहा कि 2 वर्ष के सत्र में 5 वर्ष लग गए, जबकि लगातार धरने प्रदर्शन करने के बाद भी विभाग या कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई सुनवाई या पहल नहीं हो रही है, जो उन सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पैरामेडिकल छात्रों ने कहा कि अगर जल्द ही उन सभी की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में भूख हड़ताल के उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुख्य मांग है कि हम लोग को स्टाइपेंड मिले, छात्रावास का व्यवस्था हो और पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो और 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं कराया जाए उसके लिए सत्र नियमित हो। बस यही मेरी मुख्य डिमांड है। और कोई आगे की रणनीति नहीं है। अगर शाम तक कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है, हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करेंगे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। जी आज शाम से, अभी से शाम तक रहेंगे। शाम तक में अगर कोई सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं किया जाता, लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और हॉस्पिटल भी बंद किया जाएगा। अगर आज शाम तक अगर कोई लिखित आश्वासन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग हॉस्पिटल का OPD बंद करने वाले हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एक दिन पूरा अनशन हम लोग दिल्ली तक बात लेके जाएंगे, पूरा अनशन पे बैठेंगे, पूरा बिहार का और जितने भी पारा मेडिकल छात्र संघ है ऑल ओवर टू ऑल एक साथ करेंगे प्रदर्शन, ये पूरा चलता रहेगा। अगर तेजस्वी यादव को अगर ये बात आगे हम पहुंच रही है, न्यूज मिल रहा है, तो आज हमें लिखित आश्वासन दे। बहुत पहले बोल रहा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तो हम ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, लेकिन आज उसको चीज नहीं कर पाया है। भागलपुर DDC कुमार अनुराग ने नवगछिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान DDC ने कार्यालय भवन और फाइलों के रखरखाव का जायजा लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया, जबकि अलग अलग भवन में चल रहे कार्यों की भी जानकारी लेने के बाद DDC ने कहा कि किसी भी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय महत्वपूर्ण होता है, जहाँ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कार्य होता है और इसका लाभ आम लोगों को मिलता है। DDC ने नए प्रखंड कार्यालय परिसर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। वही प्रखंड कार्यालय में बराबर हो रही चोरी की घटना को लेकर DDC कुमार अनुराग ने कहा कि पुलिस को यहां पर नियमित गश्त करना चाहिए। साथ ही चार दीवारी निर्माण के लिए भी प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कहते हुए DDC ने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। इसके अलावा उप विकास आयुक्त ने जगतपुर झील में चल रहे मनरेगा से सौंदर्यीकरण के कार्य की भी समीक्षा करने के बाद लोकमानपुर में कोसी नदी पर बनने वाले अप्रोच पथ के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नवगछिया के कदवा में 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, जबकि खरीक प्रखंड के लोकमानपुर से करीब 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके अलावा DDC ने भूअर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन का मुआयना करने के बाद कृषि योग्य सभी भूमि का अधिग्रहण किए जाने को लेकर भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि देने की बात कही। आज बेसिकली खरीक गए थे भूअर्जन के काम से लोकमानपुर साइड, और उसके बाद जब यहाँ से लौट रहे थे तो ये औचक निरीक्षण किया गया नवगछिया ब्लॉक का। बेसिकली ब्लॉक ऑफिस का रख रखाव, कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है और किस तरह से जो ब्लॉक कार्यालय उसको और बेहतर किया जा सकता है, उसी के आलोक में अभी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए हैं BDO साहब को। और साथ में यहाँ एक जगतपुर झील है, उसमें भी जो काम मनरेगा द्वारा हो रहा है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। सर, नए भवन के बनने की बात आ रही है, क्या कुछ ब्लॉक का भवन कल? देखिए, ये एक बेसिक है कि ब्लॉक एक मेन ऑफिस सरकारी जो कार्यालय होता है किसी भी लोग के लिए ब्लॉक कार्यालय होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ब्लॉक को एक अपना भवन और अपनी ज़मीन हो। उसको लेकर के जहाँ पे भी पुराने कई सालों से जो ब्लॉक ऑफिस संचालित हैं, विभाग के तौर से एकदम मिशन मोड में काम कराया जा रहा है कि हर ब्लॉक की अपनी एक अच्छी बिल्डिंग हो, जिसके लिए ज़मीन चिन्हित करके विभाग को उपलब्ध कराना होता है। उसी के आलोक में अभी जो यहाँ पे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और CEO साहब थे, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब अपना प्रस्ताव
अराउंड 2.5 एकड़ जमीन का कम से कम भेज देंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर देश भर में लोगों के बीच अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं, जिसके कारण अलग अलग राज्य सरकार और राजनीतिक दल के साथ लोग भी दो धड़े में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा जहां फिल्म के समर्थन में है, तो वहीं दूसरा धड़ा फिल्म को बैन करने की मांग करने की आवाज़ को बुलंद करने में लगा है। इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और बंगाल समेत कई गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में फिल्म को बैन करने की तैयारी की जा रही है। वह इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भागलपुर में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग राज्य सरकार से की। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में भी फिल्म टैक्स फ्री होने से कश्मीर फाइल्स की तरह हर कोई इसे देख सकेगा और द केरला स्टोरी में दिखाई गई सच्चाई लोगों के सामने आएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन करने पर भाजपा नेता ने कहा कि वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है बल्कि तुष्टिकरण की राजनीति होती है। एकदम मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। हाँ, तो सच्चाई को देखना चाहिए ना। कश्मीर फाइल्स भी वही था और ये भी वही है, तो इसलिए इसको टैक्स फ्री करके सभी आम लोगों को देखने पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति है, वहाँ तुष्टिकरण हो रहा है। बांका के धौरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवारा रामकुल निवासी मनोहर कुमार पंडित अपनी 11 साल की बच्ची पूजा कुमारी का इलाज कराने के लिए विगत 20 अप्रैल को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां भर्ती कर बच्ची का इलाज शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल को पूजा को तेज रफ्तार बोलेरो ने धक्का मार दिया था, जिसमें वह घायल हो गई और उसे बेहतर इलाज के लिए माइगन अस्पताल के हड्डी विभाग में एडमिट कराया गया। वहीं बुधवार को डॉक्टरों ने बच्ची का ऑपरेशन किया, जिसमें बच्ची का एक पैर जांघ के पास से काट कर अलग कर कटे हुए भाग को अस्पताल के पीछे फेंक दिया गया। इधर जब बच्ची के परिजनों को इसका पता चला, तब बच्ची के पिता कटा हुआ पैर अस्पताल के पीछे से खोज निकाला और अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया। वहीं बच्ची के पिता का कहना है कि डॉक्टर के द्वारा पहले कहा गया था कि बच्ची के घुटने के नीचे से पैर काटा जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान उनकी बच्ची का पैर घुटने के ऊपर से काट दिया। साथ ही आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर इलाज में लापरवाही बरतने और उनसे सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। 20 तारीख 19 तारीख 20 तारीख में यहाँ भर्ती हो गया है वो। जी सर,
और आज हो गया लगभग 20-25 दिन सर, आजम सर जो के यूनिट में था, आजम सर ने एक दिन देखा है मेरे बच्ची को, दूसरे दिन से फिर वो कहाँ गायब है, नहीं है, गए उनका क्लिनिक पे रिपोर्ट दिखाने के लिए, रिपोर्ट दिखाए तो वो बोलता है कि तुम्हारा बच्ची का पैर कटेगा, बोले सर यहीं ले आते हैं, बोला बहुत पैसा खर्चा होगा, बोले ठीक है सर जैसे भी होगा मेरा बच्ची का, यहाँ आप नहीं कर सकते वहीं कर दीजिए, कहीं भी मेरा बच्ची ठीक कर दीजिए, बोला ठीक है जितना कम से कम होगा तुम्हारा बच्ची का पैर कटेगा, लेकिन बाबू गैदरिंग हो गया है नस, बोले ठीक है सर काट दीजिएगा कोई बात नहीं, बोला ठेना से नीचे कटेगा बाबू उतना सा पैर बन जाएगा, लड़की बच्चा है तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, सब चीज़ विकलांग सर्टिफिकेट उकट बन जाएगा, अब ये जो है जंग के ऊपर से काट दिया सर, बोला कि जंग ठेना के नीचे से कटेगा, जंग के पास से काट दिया बच्ची का पैर। मैंने कहा है कि लिखित आप कंप्लेन कीजिए, आपके कंप्लेन पर कार्रवाई की जाए। कितना कार्रवाई होगी सर? मेडिकल बोर्ड बनवाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये आरोप लगाने वाले की नासमझी है कि डॉक्टर की गलती है, ये समिति तय करेगी। वो आरोप लगा रहे हैं कि मसीह आजम सर जो है 25 दिन तक उस बच्ची को देखे तक नहीं। कोई भी केस जब आता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या परिजन को ही करना रहता, तो डॉक्टरों की टीम निर्धारित ये करती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। भागलपुर के तिलका मांझी अंतर्गत मेडिकल कॉलेज रोड स्थित सड़क किनारे खुले आम मांस मछली बेचने वाले को हटाने पहुंचे नगर निगम अतिक्रमण शाखा प्रभारी और कर्मियों से झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से खुले में मांस मछली बेचने से कई बार मना किया गया, लेकिन बावजूद दुकानदार खुले में अपनी दुकान लगाते हैं। वहीं दलबल के साथ पहुंचे अतिक्रमण शाखा प्रभारी के द्वारा वहां से दुकान हटाने और जगह खाली करने की बात कहने पर भी जब वे सभी नहीं हटे तो अतिक्रमण शाखा प्रभारी ने मछली को पैरों से जोरदार झटके के साथ फेंक दिया, जिसके बाद सभी मछली दुकानदार अतिक्रमण शाखा प्रभारी पर टूट पड़े और जमकर हाथापाई भी हुई, और देखते ही देखते मामला काफी बिगड़ने लगा। बता दें कि अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य और ट्रेड लाइसेंस शाखा प्रभारी देवेंद्र वर्मा दो सुरक्षा गार्ड के साथ खुले में मांस मछली बिक्री करने वाले दुकानों को हटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन विवाद बढ़ जाने से हालात तनावपूर्ण हो गया। वहीं इसको लेकर अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य ने बताया कि मछली दुकानदार अपने तीन बेटे के साथ आक्रोशित हो गए और हसुआ और चाकू लेकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपनी जान हेलमेट से बचाई, जबकि झड़प में मौके पर मौजूद कई सुरक्षा गार्ड को भी चोट आई जिससे वे सभी घायल हो गए। इधर मछली दुकानदार ने कहा कि उन लोगों को पहले जगह दे दी जाए, इसके बाद यहां से हटाया जाए जिससे उनका रोजगार चलता रहे। साथ ही कहा कि उनकी मछली को पैर से जोरदार ठोकर मारकर रोड पर फेंका गया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि पहले उन सभी को जगह मुहैया कराया जाएगा, तभी इन लोगों की दुकान को वहां से हटाया जाएगा। साथ ही मछली दुकानदारों को भी धैर्य से काम लेने की बात करते हुए महापौर ने कहा कि हंगामा से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। यहाँ घटना हुआ, आप लोग मछली बेच रहे थे, ये सब डेली आता है यहाँ, मारता पीटता है, बोलता हटाने के हम लोग हटा लेते हैं, मछली उठा रहे थे यहाँ पर, तो इसी दौरान वो लोग आया, मछली उल्टा दिया, बना हुआ मछली सब छिड़िया दिया, और मेरा भाई लोग को मारा यहाँ पर गिरा के, और वीडियो सब लिए हम लोग किए यहाँ पर, बोलता है आप नहीं लगाए थे, तो हम लोग भाई 10 से 9 तक बेचते हैं, तब पर भी वो लोग जबरदस्ती करते हैं, बोलते हैं आप नहीं बेचने देंगे, आप लोग जाइए यहाँ पर से, टाइम से पहले मछली हटा ले, 6 से 10 बजे तक बेचे बोले तो पहले हटा ले, शादी वाला मछली बेच ले वही खाली मछली बना ले, मछली हम बेचे नहीं हुए, ग्राहक बोले गए सर आप बोले हटाने हटा लेते हैं, ग्राहक के सामने सब मछली छिड़िया गई, बल्लो मछली बिना बने लो भी मछली कैसे छिड़िया, वो लात से मार के छिड़िया दिया, कार्टून वार्टून सब तोड़ दिया, तक नुकसान हो लेकर वही लगभग 3,000 का हुआ है, जिंदा मछली का सब उल्टा दिया पानी से बाहर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।